गुरुवार को बैंकर्स क्लब भिलवाड़ा की बैठक क्लब के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम सभी अधिकारियों का एवं सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आज जिन सदस्यों ने क्लब में प्रथम बार प्रवेश प्राप्त किया उनमें मुख्य राम विलास मीणा एम भवन रावत, सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मनोज कुमार एम संजीव कपूर, सहायक महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक एम के जैन, मनीष दीक्षित बैंक ऑफ बड़ौदा सहायक महाप्रबंधक थे। इन्हीं के साथ योगेश टोडवाल पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक का भी स्वागत किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार की ओर से उप क्षेत्रीय प्रमुख एस के बिरानी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं उन्होंने आगे बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का 112वां स्थापना सप्ताह में सभी बैंकों के यहाँ उपस्थित हैं जो महत्वपूर्ण है। बैठक को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि बीएल गुप्ता ने बताया कि आज से 50 वर्ष पूर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करने का था एवं समाज के पिछड़े एवं कमजोर तबके को बैंकों से जोड़ने का था। इन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति में कारगर सिद्ध हुआ है। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक आरवी मीणा ने राष्ट्रीयकरण से पूर्व की स्थिति एवं वर्तमान स्थिति का सिंहावलोकन करवाया। क्लब को संबोधित करते हुए नाबार्ड के डीडीएम लोकेश सैनी एवं पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महाप्रबंधक संजीव कपूर ने विषय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। क्लब सचिव एल गांधी ने बताया कि बैंकर्स क्लब भिलवाड़ा को जो ऊंचाइयां छुई है उसमें पूर्व अध्यक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज इस क्लब में विभिन्न बैंकों के उप महाप्रबंधक एवं 12 सहायक महाप्रबंधक सदस्य हैं। लीड बैंक एवं नाबार्ड के कार्यालय तथा सहकारी क्षेत्रों के 2 प्रधान कार्यालय भी स्थित हैं। बैठक में 9 पदों न सदस्यों का स्वागत किया गया। उनमें भगवान राम बाजिया, मनीष गोयल और पवन कुमार सभी बड़ौदा बैंक के अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक का संचालन मदन खटोर, पूर्व अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक ने मंत्रोच्चारण के साथ किया। आभार ज्ञापन क्लब के संयुक्त सचिव कमल कुमार सोनी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किया। क्लब की बढ़ती हुई गतिविधियों के साथ निर्णय लिया गया कि अति शीघ्र इसका पंजीयन कराया जाए तथा आम सभा अगले अगस्त माह में करवाई ली जाए। इसके साथ ही सुझाव आया कि फॉरेक्स के क्षेत्र में काम करने वाली शाखाओं की एक वृहद कार्यशाला आयोजित की जाए एवं रूड़ा का पोर्टल अलग बने ताकि बैंकों की वसूली करने में सुविधा हो सके। सामयिक बैठक आज जो आहूत की गई है जिसकी अध्यक्षता राजेश कुमार सिंह बड़ौदा बैंक के उप महाप्रबंधक ने की। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नए जो सदस्य हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा जो सदस्य पदोन्नत हुए हैं उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य 19 जुलाई को जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और उन 50 सालों में बैंकों की पूर्व में क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है और भारत सरकार इन बैंकों से क्या चाहती है, इस तरह की बात आज मीटिंग के अंदर निर्णय लिया जाएगा।